यहाँ की जो खीर गंगा की स्टोरी जो है ना जी, ये कुछ अलग किस्म की है। अलग किस्म की ऐसी भाई, मैंने कई बार बोला भी है, YouTube में भी डाला है, कई बार मैंने इसका सुझाव भी दिया है कि सभी लोगों से कि भाई शांतिपूर्वक आएँ, किसी भी किस्म का शोर शराबा ना करें, गलत वस्तु ना लाएं, किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी ना डालें। अगर हम सब इस तीर्थ को मिल करके साफ़ सुथरा रखें तो हम बारंबार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, स्नान करते रहो, आते रहो, जाते रहो। तो ये मेरी सबसे पहले प्रार्थना है। अब सुनिए आप उसकी कहानी, स्टोरी क्या है। देखो जी, जो पृथ्वी की परिक्रमा की गई थी वो स्थान ये, नंबर एक। कई कहते हैं कि भाई शादी हुई थी तब परिक्रमा की गई थी गणेश जी की, वो परिक्रमा भी हुई और शादी भी हुई, दोनों चीज़ें इकट्ठे हुई इस स्थान से। तो क्या हो गया कि माता पार्वती कहती है कि भूटान से चल के आई मानसरोवर, मानसरोवर से चल के आई मैं मांतलाई, मांतलाई से चल कर आई तो यहाँ पर मैंने दूध की गंगा बहाई, यहाँ पर दूध की गंगा बहाई, परशुराम ने इसका खीर गंगा नाम कहा ही। ये है दोहा या कहावत, जो कहते हैं कि भाई ये जो प्राणी जो माता पार्वती का दोहा है कि भाई मैं जो ऐसा सा करके यहाँ पर जो है सृष्टि की रचना पर जो है मैंने दोनों बच्चों का जो है कल्याण किया है, अपने अपने स्थान की ड्यूटी दी है, अपने अपने स्थान पर बैठी है तो इस स्थान से दी। और इसका नाम खीर गंगा इसलिए पड़ा कि भाई जो परशुराम ने जो दूध की गंगा बहाई थी ना उन्होंने माता पार्वती ने, तो उस प्रकार से बाद में लास्ट में क्या आता है खीर गंगा नाम का आता है। पैको कहा पार्वती ने कि भाई स्वामी जी दोनों बच्चे जो है ये हमारे साथ अब कब तक चलते रहेंगे, भटकते रहेंगे पहाड़ों में या हमारे कैलाशों में, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो कहा कि भाई आपस में कार बातचीत कर रहे थे माता पिता और वो बच्चे दोनों यहाँ पर जो है शांति से बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो पहुँचते ही तो शिव और पार्वती आपस में बात करे, फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इनको ऑर्डर देते हैं कि दोनों बच्चे इधर आओ और चलो पृथ्वी की परिक्रमा जो पहले करके आएगा उसको हम उस प्रकार का स्थान देंगे, जो बाद में थोड़ा आगा पीछा तो हम उसको उस प्रकार का स्थान देंगे। कार्तिकी ने सुन लिया और मोर पर बैठ गया। और गणेश जी जो है चूहे सवारी है, चूहे की सवारी है, तो चूहे की सवारी पर जाना है तो चूहे को बोला भाई चलो चलिए, वो तो चला गया हवा में कार्तिक जी मोर पर बैठ करके। तो हमने कहाँ जाना, हमने पृथ्वी की परिक्रमा सुना नहीं, माता पिता ने क्या कहा। चूहे ने कहा गणेश जी से आपस में सलाह करे कि भाई देख गणेश महाराज, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप किस जगह पर किसको बोल रहे हैं कि ऑर्डर दिया है। आपके माता पिता ही जगत के गुरु माता पिता है, जगत सृष्टि के मालिक है, आप कहाँ भटकोगे। इसके लिए मैं जाऊँगा और आप जो है जब हमारे वापसी पर आने का होगा, पश्चिम दिशा से गए पूर्वी दिशा से आए, पूरी पृथ्वी की चक्र काट करके, तो मेरा और उसका दो कदम का फर्क होगा, दो कदम का फर्क होगा ऐसा कि भाई आपने जो है तीन चक्कर लगा देने, यहीं आप यहीं बैठिए हम जाते। तो उसके साथ गया था चूहा, मतलब कार्तिक जी के साथ निशान मिलते रहे लेकिन नजर नहीं आया। जब चूहा चक्कर काटने गया तो वो अंडरग्राउंड गया, पृथ्वी के अंडरग्राउंड, तो वो ऊपर से गया लेकिन कहीं कहीं जो है ओपन भी होना पड़ता। तो उस जगह पर कार्तिक जी ने देखा कि भाई इसका तो है निशान तो है लेकिन नजर दोनों ही नहीं आ रही, चक्कर क्या है। वो कार्तिक परेशान हो ऊपर से, भाई ये नजर नहीं आते लेकिन ये है जरूर, जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये तो एक चूहे ने उसको एक निशान दिया कि मैं भी जा रहा हूँ। जब वो वापसी पर पूर्वी दिशा से आए तो देखा कार्तिक ने सीधा भाई पर नजर पड़ी गणपति को, हो भाई जी तो वो आनी चाहिए। उसने जो है तीन फेरे लगा करके जो है भगवान की शरण में ततस्तु कर दिया शिव ने कि जा बेटा तेरे लिए जो है प्रथम पूजन स्थान और रिद्धि सिद्धि सबसे पहले आपको पूजा। हाँ, तो और उसी समय संभाली थी और रिद्धि भी सिद्धि भी, वो शादी नहीं करवाई थी। अच्छा, लोग कहते हैं ना आम सुनते हैं कि भाई शादी हुई थी ये हुआ था, लेकिन उस समय जो पृथ्वी की परिक्रमा हुई थी उस समय जो है वो ले बेटा वो दोनों बहनें थी ना और रिद्धि और सिद्धि किसी ऋषि की लड़कियां थी तो उनको संभाल दिया, वो हुई शादी भी हो गई और उसको रिद्धि सिद्धि का ज्ञान भी हो गया और जो है मतलब पृथ्वी तीनों लोक में जो है उसको प्रथम पूजन स्थान दिया गया। वो तो अपने स्थान पर चला गया, उनको मिल गया। अब कार्तिक जी जब उतरे यहाँ पर तो कार्तिक जी जब उतरे क्रोधित हो गए, गुस्से हो गए कि भाई साहब मेरे साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गया, ये मेरे को नहीं चाहते हैं, ये इसको चाहते हैं, मतलब एक प्यारा हो गया एक नहीं प्यारा हो गया। तो इस प्रकार से जो है उनमें तनाव आ जाता है, मतलब
भाइयों में, भाइयों में नहीं, भाइयों में नहीं, माता पिता, माता पिता में। अच्छा, हाँ वो तो चला गया, गणपति जी वो तो चला गया, उनको तो तटस्थ हो गया ना, उनको हो गया, जैसे हमारा कोई काम हो जाता है चले जाते हैं, तो वैसा उसका हो गया, वो नहीं रहा। अब रहे तीनों, कार्तिकेय और माता और पिता, के माता पिता जी अब मैं चला, कि कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो अब कहीं किनारे बैठ करके तपस्या करूँगा बस आपके साथ। अब माता पिता मुझे इस बात की आज्ञा दे, कि कहा पार्वती ये तो कुछ गुस्से हो गया है, बेटा इधर आओ, चलो आपको बहम हुआ है ना, इसका कोई उपाय ढूंढेंगे, कि एक शर्त मानोगे। शिव और पार्वती ने कहा कार्तिक जी को कि ठीक है जी, पिताजी आपकी आगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बोलो। चलो हमारी गलती होगी या तेरी, इस बात के लिए एक ऐसा करेंगे हम सिस्टम कि 11,000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, आप भी करेंगे हम भी करेंगे, उसके बाद इस यहाँ पर फैसला होगा, जैसा कोर्ट में कोई फैसला हो जाता ना, उस प्रकार से डेट रख दी शिव ने, 11,000 साल के बाद यही फैसला होगा, और तब तक के लिए हम अपने अपने स्थान पर, खीर गंगा ने भी ना पढ़ा, मतलब अभी वो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो तपस्या, वो तो अभी परिक्रमा हुई, अभी उनका अपना अपना स्थान देना है, तो वो जब स्थान उसको तो नहीं मिला, उसमें झगड़ा पड़ गया और क्रोधित हो गया, तब वो फैसला जा रहा है, भैया ठहरो आप, 11,000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, तो हम मैंने भी करनी है, तेरी माता जी ने भी करनी है, और आपको भी करनी है, ठीक है जी, मुझे मंजूर है, कार्तिक बोले मंजूर है, उसके बाद फैसला होगा, जो हमारी गलती को तो हम मानेंगे, आपकी को तो आपको माननी होगी, बोले ठीक है माता पिता आपका आज्ञा। तो वो गुफा है, 11,000 साल तक तपस्या की है कार्तिक जी ने, लंबा सा पेड़ है ना, आप कैमरा लगा सकते हैं इधर ही, हाँ ये लंबा इसके पार है, नहीं 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 यही यही। अच्छा इधर ये सामने जो सफेद सा दिख रहा है, नहीं नहीं जो लंबा सा पेड़ दूसरा है ऊपर, वो पत्थर के चट्टान के साथ, हाँ ये ना ये इसी के बीच में, अच्छा इसी के बीच में, अच्छा जहाँ पे तपस्या, हाँ 11,000 साल। अच्छा तो माता पार्वती की मानतलाई में, शिव ने की कैलाश पर, अपने तीनों अलग अलग, तीनों ने अलग जा रहे। अच्छा बात रही, अब कार्तिक जी को यही स्थान दे दिया कि भाई अब पार्वती कहे स्वामी जी बच्चा खाएगा पिएगा क्या, यहाँ रहेगा तो 11,000 साल तक। शिव ने कर दिया बंद कि भाई कोई खाना पीना नहीं होगा, घास पत्ती खा लेगा, कुछ नहीं देना, हम भी ऐसा करेंगे, ये भी ऐसा करेगा, कि स्वामी जी ठीक है, पार्वती को अपने पति का ऑर्डर मानना पड़ा, नहीं देने के लिए बंद कर दी ना, उसको क्या आया मन में कि माँ होती फिर भी माँ, उसको उसने सोचा बच्चा 11,000 साल तक क्या करेगा, चलो माँ का दूध तो दे सकती हूँ मैं, उसने एकदम से त्रिशूल उठाया इस मंदिर के पीछे और जमीन पर, और जो है वहाँ से दूध की गंगा बहा, यहाँ से आइए तो दूध की गंगा बहारी, तो माता पार्वती ने कहा कि माँ का दूध ही, बस ये सामने बस ये स्रोत है जो, हाँ ये चुनरियाँ लगी हुई है, बस ये माँ का दूध पीने के लिए दिया, तो भाई जा बेटा तेरे को 11,000 साल के लिए मैंने दूध दे दिया। शिव ने कहा कि क्या बात है ये, आपने क्यों कर दिया सा पार्वती, कि माँ का दूध दिया जी स्वामी, मैंने और कुछ नहीं दिया। अच्छा वो खत्म हो गई, तो बस 11,000 साल पूरे हो गए, तो इसी स्थान पर फिर से, क्योंकि वो फैसला होना, फैसले की दिन, फैसला दिन था ना, वो डेट थी, तो सारे 33 करोड़ देवी देवता जो है ना, आप देख रहे हो आर पार, ये बड़े प्रेम से घुमाइए आप, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर आए, कि चलो आज माँ बेटे में फैसला है, बाप बेटे में फैसला है, और आज 88,000 ऋषि मुनि आए बैठे सभा, महासभा में भाई फैसला होना, आज क्या फैसला होता है, तो ऋषि मुनि से लेकर सभी देवगण आए जितने भी थे। अच्छा वो खत्म हो गई, तो बस 11,000 साल पूरे हो गए, तो इसी स्थान पर फिर से, क्योंकि वो फैसला होना, फैसले की दिन, फैसला दिन था ना, वो डेट थी, तो सारे 33 करोड़ देवी देवता जो है ना, आप देख रहे हैं आर पार, ये बड़े प्रेम से घुमाइए आप, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर आए, कि चलो आज माँ बेटे में फैसला है, बाप बेटे में फैसला है, और आज 88,000 ऋषि मुनि आए बैठे सभा, महासभा भाई फैसला होना, आज क्या फैसला होता है, तो ऋषि मुनि से लेकर सभी देवगण आए जितने भी थे, वो क्योंकि उसको राजपाट मिलना था ना, मंत्री बनना था, वो सभी देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का मंत्री है। अच्छा, तो उस करके जो है जब बैठा, तो जैसे ही सीधे आए कार्तिक जी आए और माता पिता के शरण में, तीन चक्कर काट करके कुछ नहीं बोले, देवतागण भी चुप, शिव जी भी चुप, माता पार्वती भी चुप, कार्तिक भी चुप, अरे फैसला हुआ ही नहीं, वो सुनने में इच्छुक है ना भाई, देवतागण जा रहा कुछ फैसला होगा, वो तीन चक्कर काटे, जैसे गणपति ने काटे वैसे ही उसने भी काटे, कि माता पिता आपकी शरण में मैं भूल गया था, कि भाई आप ही जगत की माता है, आप ही पिता है, मैंने पृथ्वी के चक्कर तो बेकार काटे, तो आप ही तो है, मैं उस टाइम गलती मेरी,
आप ही संसार है, गलती मेरी रही, मैं मानता हूँ, बस बोल दो शब्द के लिए 11,000 साल जो है वो गलती मानी, तब उस टाइम नहीं मानी। अच्छा हो गई बात खत्म, जा बेटा ततस्तु, तू 33 करोड़ देवी देवताओं का मंत्री राजा मुखिया, और आज भी है रहेंगे वो तो, वो हाँ, है ही रहेंगे हाँ, वो तो रहे, हाँ। अच्छा एक को हो गया प्रथम पूजन स्थान, हाँ, दूसरे को हो गया 33 मिल गया ना दोनों, हाँ, को दोनों को मिल गया। अब शिव पार्वती तो चले अभी भी, वो कैलाश में रहते हैं, कैलाश, हाँ। अच्छा हो गया दोनों का काम ठीक, बच्चों का उस टाइम और ही दीसी दीदी थी गणपति जी को, कोई कहते ब्याह शादी के लिए परिक्रमा की, वो नहीं गलत बात, वो इस तरीके से हुआ था। फिर रही ए दूध गंगा का, इसका क्या उपाय करना, अब फंसी ना गले, अब फंसी ये फस तो कार्तिकेय जी उनके हाँ, लिए निकाल, वो तो खत्म हो गई बात, ये तो चल रही है, हाँ, ये तो चल रही है। माँ पाता पार्वती एक ऐसी चीज है, शक्ति संसार में तीनों लोक में, जो कि जो चीज वो निकाल देती उसको मिटाने वाला कोई नहीं। अच्छा उनका गुस्सा हाँ, कहते थे कुछ ना, भी हाँ, हो मतलब जो उसने शुरू कर दी उसको मिटाने वाला कोई नहीं, और उसको वो चलती रहेगी, कोई भी काम हाँ, देखना अपने मतलब माता पार्वती का, दुष्टों हाँ, को विनाश कर दिया, असुरों को नाश कर दिया, सब देवगणों को उतर गए, शासन से उतर गए, हाँ, तो जब हाँ, इसने हाँ, जो काम करना है तो उसमें समझ लो के अब रक्ता बीज जैसे कितने कितने बड़े महातीर्थ थे जो कि हजारों करोड़ों राक्षस पैदा हो जाने, तो उनको खत्म कर दिया इसने, भस्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है माता पार्वती की, रूप अनेक है, काम एक है, तो इसलिए इसको सभी माँ कहते हैं। तो शिव ने ऑर्डर दिया देवगणों को और ऋषियों को कि भाई आप में है कोई जो इसका उपाय ढूंढ सके, कि माता है माता हम, का हम हमारे साथ देवता लोग भी चुप हो गए, और ऋषि मुनि तो पहले ही, उसमें कौन ऋषि नहीं था, परशुराम जी यहाँ पर सभा में उपस्थित नहीं था, परशुराम हमेशा आते तो लास्ट में सभा के बाद आते हैं, जो कि मतलब वो क्रोधित था, झगड़ा करता था, या करता तो सच्चा था वो, हाँ, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता हाँ, था जल्दी, भाई तुम ऐसा करके मैं ऐसा करूँगा तो हिला देता था। तो इस प्रकार से जो है अब दूध गंगा रही लास्ट चरण की बात, अभी तक खीर गंगा नाम नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा। तो जब दूध गंगा, भले जी कोई नहीं, तो माता पार्वती को बोला स्वामी शिव ने, बोला कि पार्वती अब इसका उपाय करिए, अब आपकी चीज़ है कि स्वामी इसका उपाय आप ही करें। शिव पर डाल दी, सांप ने डाल दी शिव पर, जब शिव पर डाल दी तो शिव ने कहा मेरे पास एक इलाज है, मेरे पास भी इसका उपाय है, एक उपाय है जो कि परशुराम कर सकता है इस काम को, बाकी नहीं कर सकता कोई। ठीक है जी, सभा चला गई, कार्तिक जी राजा चल गया उनके साथ देवगणों के साथ, और शिव भोलेनाथ अपने कैलाश पर चले गए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं, या वो ट्रैक के हिसाब से आते हैं, या वो किसी भी हिसाब से आते हैं, पर आते हैं ट्रैक के हिसाब से, हाँ, यहाँ का महत्व नहीं है, से ही आते हैं, आते हैं हाँ, ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, एंजॉय करने आते हैं, हाँ, लेकिन इस स्थान का मालूम नहीं है, नहीं तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आस्था का से लेकर, चैनल से लेकर, या कोई मीडिया से लेकर, कि ये धर्मस्थल है, ये तीर्थ स्थल है, ये बहुत बड़ा स्थल है, जिसमें जिन दोनों बच्चों का वो कल्याण हुआ है, उनका पूजन प्रथम पूजनीय स्थान दिया है। तो ये परशुराम ने क्यों नाम रखा, एक दूध की गंगा को गायब करना था, दूध की गंगा को गायब करना था, तो परशुराम जी आए ऐसे नदी किनारे किनारे आए, तो उनको ये नदी जो है ना, नदी के साथ मिलती थी नीचे पार्वती, हाँ पार्वती, हाँ, तो उसको देखा कि अरे यहाँ तो दूध बह रहा है, कुछ दूध जैसा लग रहा है, हाँ, तो नीचे से दूध करते करते यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर प्रणाम करता है सबसे पहले, कि माँ का दूध है ना, वो भी माँ करता ना, वो परशुराम था ना भगत उनका, तो माता पिता ही समझता था कि माँ प्रणाम आपके दूध की प्रणाम भाई, चलो ये तो कार्तिक जी के दूध है, हम मैं भी पुत्र हूँ, मैं भी देखूंगा इसका टेस्ट। तो उसने जो है यहाँ पर खीर बनाई थी परशुराम ने, किसी ने नहीं बनाई थी, कि चलो माँ का दूध का मैं खीर बना करके देखूंगा कि कैसा। तो परशुराम ने खीर प्रसाद तौर बनाई कि मैं भगवान को भी भोग लाऊंगा, भोलेनाथ को भी, और अपने आप भी, और सभी देवगणों को भी। तो तब उसने खीर बनाकर मट्टी की हंडी में बनाई थी, पहले थे ही ऐसे बर्तन थे पुराने ज़माने में हमारे, वो अभी भी लकड़ी के थे, कोई कुछ मिट्टी के होते थे, अभी तक भी हमारे घर में है लकड़ी के बने हो ना, कोई भी थाली प्लेट जो भी है। तो उस प्रकार से जो है उसने जब हांडी उठाई, उठाने लगा, तो वो हाथ से छूट पाई, गिर पाई इसी के अंदर, इसी में गिर गई। जब गिर गई तो उसके हो गया, उसमें नहीं बचा परशुराम को तिनका भी, कुछ नहीं बचा। परशुराम को क्या लगा कि भाई जैसे आप धक्का दिया ना मेरे को, कोई हिल हाथ से गिर गया, तो उसने बोला किसी दैत्य ने मेरे जो है प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया, वो भगवान ने लीला रचाई थी ना, वो होना ही था ऐसा। तो जो ऐसे भी ठोकर, तो वो चिल्लाया यहाँ पर भारी, तीनों लोगों को इकट्ठा कर दिया,
कि दैत्यगण जो भी है मेरे प्रसाद को ठोकर मार के सामने आ जा, जो कोई है। तो तीनों लोगों का हिला दिया, तो देवगण भी हो गए शिव जी के पास इकट्ठा, ब्रह्मा और क्या नाम विष्णु जी, कि भाई आपका वो हिल गया नीचे, वो जाइए आप। तो शिव जी आए तो कहा, परशुराम जी क्या बात है, आप क्यों हमको यहाँ मजबूर कर दिया लाने के लिए, कि स्वामी जी आपको तो नहीं किया था मैंने, मैं दैत्य को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे प्रसाद को ठोकर मार के गिरा के चला गया। कि नहीं 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 नहीं, शिव ने कहा आपकी भूल है, बहम है, आपने इस पर नज़र दी कभी खीर दूध गंगा पर, कि नहीं जी, कि इसको देखा कभी, शायद इसने शर्त की हो आपके साथ, कि नहीं जी मैंने इसको प्रणाम किया है और आशीर्वाद दिया है मेरे को, और मैंने इसे जो है बड़े प्रेम से प्रार्थना की है, आराधना की, साधना की, सब कुछ किया है, इनकी पूजा पाठ कर दी, लेकिन ये मेरे साथ नहीं कर सकती, कि ध्यान लगाओ हम पर ध्यान लगाया। तो परशुराम जी ने यहाँ इस पानी में से कन्या का रूप दिखाई दिया उसको, छोटी सी कन्या, कि ही परशुराम जी मैंने आपके प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। वो परशुराम करे उसके साथ बात, कन्या के साथ जो दूध गंगा, कि तेने मेरे इतना बड़ा छल किया, जा मैं तेरे को भी आज के बाद ठोकर मारता हूँ, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि आज के बाद तेरे को जो है पानी की तरह बहनी चाहिए और मलाई की तरह तेरे चिथले होने चाहिए, और आज के बाद जो है तेरा नाम जो है खीर गंगा ही पड़ेगा, आज के बाद दूध गंगा नहीं होगा कलयुग में, और सती द्वापर त्रेता में जो है तेरा फिर से दूध गंगा नाम। उसने दोनों श्राप खोला भी है और दिया भी है कि जा आज के बाद तू पानी की तरह बहनी चाहिए, ये मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेने मेरे साथ छल किया, इतना बड़ा धोखा किया, तो मैंने भी तेरे को जो श्राप दे करके कलयुग में सिर्फ। तो वो खीर उसने बनाई थी, वो खीर तब वो जैसे पनीर बन गया उसके श्राप से, अलग हो गई मलाई और पानी अलग हो गया, जैसे इस कुंड में है छोटा छोटा। तो उसने बोला ना तेरे चिथड़े हो जाए, अच्छा हाँ अच्छा बोला ना उस शब्द में, बोला उस शब्द को पकड़ो अब, कि पानी की तरह बहनी चाहिए और मलाई की तरह चिथड़े होने चाहिए, चिथड़े का मतलब बिखर गए, हाँ बिखर गया। तो जा आज के बाद तेरे को कलयुग में जो है खीर गंगा के नाम से माना जाएगा, जाना जाएगा बाकी। तो ये था लास्ट पॉइंट, और तब जो है ये बंद तो कर नहीं सकते ना इसको, हाँ नहीं ये, लेकिन ये चली गई। अगर ये स्थान तभी कहते हैं गुप्त स्थान, ये गुप्त स्थान है, गुप्त का मतलब होता है कुछ देवताओं का अपना स्थान होता है। अच्छा इसको अगर यहाँ कोई ज्यादा पाप बढ़ गया मान लीजिए, तो ये उथल पुथल होकर गायब हो सकता है, गायब हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा, गुप्त अंडरग्राउंड हो जाएगा, फिर क्या यहां से निकलना बंद हो, अंदर हो जाएगा बात खत्म। ये तो इनके हाथ में अलग रखा गया होता है ना, हाँ ये। तो यही मेरी प्रार्थना है कि सब इसे कि भाई अपनी शांति से आए, अपना ध्यान लगा कर आए, पर कोई जड़ा शोर शराबा ना करे, गंदी वस्तु ना लाए, और अपने ध्यान को और पक करे काम है।